पड़ेरी में पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की हद पार की। मौके पर पहुंचे विधायक ने ली घटना की जानकारी। पूरा मामला बबेरू विधानसभा के पेरड़ी गांव का है, जहां दिनांक 13/5/2022 को दो कांस्टेबल सादी वर्दी में पारिवारिक पुराने मुकदमे में संबंध तामील कराने पेरड़ी गांव पहुंचे। केशव वकील के बोर में जाते हैं, जो पेरड़ी गांव से 1 किलोमीटर दूर है। वहां पर उनका लड़का जोगेंद्र और उसकी 2 बहनें, उसकी माँ और उसकी भाभी 4 महिलाएं जोगेंद्र ट्यूबवेल में थे। वहां 2 पुलिस सादी वर्दी में पहुंच कर जोगेंद्र को पकड़ते हैं। उनकी बहनों को लगा कि ये कौन है, सादी वर्दी में वो पहचान नहीं पाए कि ये पुलिस है। लड़कियां अपने भाई को छुड़ाने लगती हैं, तभी पुलिस ने धक्का देकर उनको गिरा दिया और लात मार दिया। ये देखकर जोगेंद्र को गुस्सा आ गया और वो उन सादी वर्दी वालों से भिड़ गए। फिर वो पुलिस वालों ने फोन करके भारी फोर्स बुला लिया और महिलाओं सहित सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया और विमलेश उम्र 22 वर्ष, जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, उसको बुरी तरह से पीटा और पेट में लात मारी और उठ नहीं पा रहा था। वो धनंजय, शोमिलन, पप्पू, सोनू को भी बहुत मारा, यहाँ तक कि एक ईंटा पाक में बांधा का हरजन आया था, उसका हाथ तोड़ दिया। महिलाओं बेटियों की साड़ी दुपट्टा छीना, गर्भवती बहू को मारा। इस तरह का बर्बरता पूर्वक पुलिस का घिनौना कृत्य असहनीय है। इस कृत्य के जितनी निंदा की जाए कम है। 18 लोगों के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। डकैत जैसी धारा लगाई गई है, जो सरासर गलत है। विधायक ने कहा कि इस मामले की जांच कर सभी की डॉक्टरी कराकर दोषी पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए, नहीं तो समाजवादी साथी हर तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे। विधायक जी, आप पंडरी गाँव आए हैं, क्या है मामला? 13 तारीख को सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले, जो लोअर और शर्ट टी शर्ट पहने, केशव यादव वकील साहब के बोर पे पहुंचते हैं, जो यहाँ से गांव से 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर उनका लड़का जोगेंद्र और उसकी 2 बहनें, उसकी माँ और उसके बड़े भाई की पत्नी, ये 4 महिलाएं और जोगेंद्र वहाँ ट्यूबवेल पे थे। जोगेंद्र को पकड़ते हैं। एक 2021 का एक मामला है आपसी विवाद का, उसमें उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। सादी वर्दी उनमें होने के कारण नहीं पहचान पाते वो कि कौन लोग हैं। उनको आभास होता है कि हमें मारने आए हैं, पीटने आए हैं, बदमाश है। बहनें अपने भाई को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती हैं और पुलिस वाले को से अपने भाई को छुड़ाती हैं। जब वो नहीं छुड़ा पाती हैं और पुलिस वाले ने उनको धक्का दे दिया, जिससे वो लड़कियाँ गिर गईं और लात भी उनको एक मार दी लड़कियों को, तो छूट करके जोगेंद्र ने किसी तरह छुड़ाया और लाठी उठा करके अपनी बहनों को बचाने की कोशिश की। बहनें भाग करके भागी, महिलाएं भी आ गईं। इतने बीच में एक पुलिस वाले ने फ़ोन करके और फोर्स बुलाई। जब वो पुलिस आई और तो पूरे जो भी लोग मिलता रहा गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारते रहे और हद तो यहां तक हो गई कि धनंजय नाम का एक लड़का, जिसके पेट का ऑपरेशन हुआ है, पूरा पेट चीरा हुआ है, उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो आज भी चल नहीं पा रहा है। और जब पुलिस और आ गई तो गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारा, केशव के घर को तोड़ डाला पूरी तौर से, मोटरसाइकिल तोड़ डाली बुरी तरह से, और इतना जुल्म और ज्यादती की कि देख करके ये लगता है कि पुलिस बिल्कुल हैवानियत पर उतर आई थी, अत्याचार की सीमा को पार कर गई। लड़कियों को मारा, औरतों को मारा, जो भी मिलता रहा मारा और पकड़ करके 4 महिलाओं को ले गए थाने, 4 लोगों को। केशव था नहीं यहाँ, पेशे से वकील है केशव, केशव था नहीं मौके पर। केशव के 2 लड़के जो टीचर है वो भी नहीं मौके पे थे, लेकिन उनको भी पकड़ पकड़ करके बाहर से लाए और ले जा करके इतनी बुरी तरह से थाने में मारा और हद तो यहाँ तक कर दी कि लड़कियों के को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उनके दुपट्टे छीन लिए और इतनी बुरी तरह से मारा है कि उनकी चोट देख करके तो ऐसा लगता है कि पूरी तौर से हैवानियत पर उतर आई थी पुलिस। और ये इतनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की छोटी सी घटना को लेकर और जानबूझकर। अब एक मीडिया के लिए पड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट।